मैं भी शोभना में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे आलू के इंस्टेंट चिप्स, आलू का हलवा और दही आलू, दो चीज़ नमक वाली और एक चीज़ मीठी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए कुछ कच्चे आलू और कुछ उबले हुए आलू। कच्चे आलूओं को धो लिया था, छील लिया था और चिप्स की तरह स्लाइस कर रही हूँ। आप चाहे तो चाकू से भी काट सकते हैं, और उबले हुए आलूओं को भी मैंने छील के रख दिया है। आप चाहे तो चाकू से भी काट सकते हैं, थोड़ा पतला काटना होगा। उबले हुए आलूओं का हलवा बनाएंगे और दही आलू बनाएंगे। कढ़ाई में इधर मैंने रिफाइंड ऑयल गरम किया है और इसमें चिप्स डाल देते हैं जो हमने कच्चे आलू के काट लिए थे। दूसरी कढ़ाई में मैं जीरा भून रही हूँ। दही आलू बनाएंगे, उसके ऊपर डालने के काम आएगा, उससे खुशबू भी बहुत अच्छी आती है। और ये चीज़ें आप उपवास में ही खाएं, ऐसा ज़रूरी नहीं है, कभी भी आपका मन करे तो बना के खा सकते हैं। सुनहरे और कुरकुरे इंस्टेंट चिप्स तैयार हो गए हैं। अब बनाएंगे हम आलू का हलवा। गर्म होने पे थोड़ा सा इलायची का पाउडर डाल रही हूँ। तो इसमें मैंने कढ़ाई में रिफाइंड ऑयल निकाल के देसी घी डाल लिया था, और कुछ बॉइल्ड आलू हैं जो मैंने कद्दूकस करके रखे हैं। देखिए इस तरह से इलायची डालने के बाद ये उबले हुए और कद्दूकस किए हुए आलू डाल दिए हैं। अब इनको भूनेंगे घी में। ये भी लो से मीडियम के बीच में फ्लेम रखेंगे और बीच बीच में चलाते रहेंगे, जिससे कढ़ाई में चिपकेगा नहीं। आलूओं का थोड़ा पानी सूख जाएगा, ड्राई ड्राई होने लगेंगे, तब तक इसको भूनेंगे। मैं तो ये मानती हूँ कि जब हम फास्ट रखते हैं तब भी हमें टाइम पे थोड़ा बहुत कुछ खा लेना चाहिए, नहीं तो हेल्थ प्रॉब्लम भी कुछ शुरू हो सकती है। ये भी कहते हैं कि भूखे पेट तो भजन भी नहीं होते, इसलिए पेट पूजा भी ज़रूरी है। आलू भुन चुके हैं, अब इसमें मीठा डालेंगे। उसके लिए मैं चीनी डाल रही हूँ। आपको जैसा मीठा पसंद है कम या ज़्यादा कर सकते हैं। जब चीनी मेल्ट होने लगेगी तब तक इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। लीजिए, आलू का हलवा तैयार हो गया है। दूसरी तरफ हम दही आलू तैयार करेंगे। यहाँ हम दही तैयार कर लेते हैं एक तीसरी चीज़ के लिए, जो हम बनाएंगे दही वाले आलू। तो ये जो बॉइल्ड आलू थे उन्हीं को मैंने मैश कर लिया है, और इसको एक बाउल में डाल देंगे। दही को फेंट लिया था, इसके ऊपर से इसको डालेंगे दही को। देखिए तीन चीज़ हमारी तैयार होने जा रही है। इसमें मैं काला नमक डाल रही हूँ, आप जो भी नमक खाते हो वो डाल लीजिए। फिर थोड़ा सा भुना हुआ जीरा और काली मिर्च का पाउडर, ये मैंने डाल दिया है यहाँ। और हलवे में डाल दिया है दो तीन काजू। ये देखिए दिखने में भी कितनी सुंदर लग रही हैं तीनों चीज़ें। ये तीनों चीज़ें आप लोग भी एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए, बहुत टेस्टी लगती हैं और फटाफट बनती हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक फॉर वॉचिंग। आप मिलेंगे अगले वीडियो में।